Hey guys, assalamu alaikum, shashikal, I hope you're saying बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं, मैं हूं रानिया, मैं हूं रोहन, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और इस वीडियो का टाइटल है अनुपम खेर शट अप कॉल टू योगी आदित्यनाथ स्टेटमेंट अबाउट शाहरुख खान, डॉक्टर जाकिर नायक रिप्लाई। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आप लोग भी लास्ट तक के वीडियो में बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। गलत है, ओछी बात है, छोटी बात है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के दिग्विजय सिंह जी हैं। वो भी उठपटांग कोई भी बात बोल देते थे, आजकल तो प्रवक्ता नहीं रहे वो, आजकल प्रवक्ता नहीं, बट उनके जब भी मैं बयान सुनता था तो मैं सोचता था कि इनके बयानों की अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो 500 पेज की किताब बन सकती है। शाहरुख खान हिंदुस्तान के एक बहुत ही बेहतरीन कलाकारों में से हैं, एक सच्चे भारतीय हैं, पर मुझे ये भी लगता है कि हफीज सईद साहब को जो ये ट्वीट करना है, जो उन्होंने ट्वीट किया कि शाहरुख खान हिंदुस्तान में बहुत परेशान है तो पाकिस्तान आ जाए, हमारे देश में बहुत प्यार मिलता है शाहरुख खान को, अगर उस प्यार की एक बूंद भी कोई और देश का नागरिक किसी और देश के सुपरस्टार को दे दे तो मैं मान जाऊंगा। और शाहरुख खान हमारे देश को इतना प्यार करते हैं कि वो क्यों उस देश में जाएंगे, तो ये न्योता ही गलत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं। जहां डॉक्टर जाकिर नायक का उलमाए कराम में बहुत बड़ा नाम है, वहीं अगर फिल्मी सितारों की बात कर ली जाए तो शाहरुख खान ऐसे मुसलमान भारतीय अदाकार हैं जिनके दुनिया भर में लाखों चाहने वाले हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हैं। लेकिन आज से कुछ अरसा पहले जब डॉक्टर जाकिर नायक और शाहरुख खान एक टीवी प्रोग्राम में इकट्ठे हुए, उस मौके पर उनकी की गई गुफ्तगू बहुत से लोगों ने देखी है, मगर डॉक्टर जाकिर नायक ने यह प्रोग्राम खत्म होने के बाद शाहरुख खान के साथ 30 मिनट तक गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में डॉक्टर जाकिर नायक ने क्या बातचीत की, टीम हम कदम आपके लिए ये वीडियो उसी हवाले से लाई है। डॉक्टर जाकिर नायक से किए गए सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नायक ने शाहरुख खान से अपनी मुलाकात का मुकम्मल अहवाल बताया था। ना सिर्फ ये बल्कि शाहरुख खान से मुतालिक वो दिलचस्प बातें सामने आई थी जिससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नायक से इस हवाले से क्या सवाल किया गया था, पहले आपको वो दिखाते हैं। ऑन SRK शाहरुख खान ट्विटर that he said that post show he had some discussion with you, and he has mentioned that after a post show I had a discussion with Dr. Zakir Naik and it was very enlightening. I would like to know what was that enlightening session with Dr. Shahrukh Khan. Yes, after the show was over I did chat with Shahrukh Khan for about half an hour, and it was a very good experience. I cannot discuss everything because many things are personal. डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि शो के बाद मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही, और शाहरुख खान ने भी कहा कि उनका दिल इस मुलाकात के बाद रोशन हो गया है, मगर उसमें बहुत सी बातें पर्सनल हैं, वो मैं यहाँ नहीं कर सकता। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि ये पहला मौका था कि मैं शाहरुख खान से बराह रास्त मुलाकात कर रहा था, और मेरी पॉलिसी के मुताबिक मैंने उनको इससे पहले जज नहीं किया था, यानी खबरों में उनसे मुतालिक क्या आता है इसकी परवाह किए बगैर मुलाकात कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मीडिया शाहरुख खान से मुतालिक जो भी कहता है, मिसाल के तौर पर वो इस्लाम पर अमल नहीं करते या वो मुसलमान होकर खुश नहीं है, ये सब चीज़ें मैं अपने जहन से निकाल कर उससे मुलाकात कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि दौरान शो मैंने ये महसूस किया कि शाहरुख खान के जवाबात दीगर बहुत से मुसलमानों के निस्बत बहुत बेहतर और इत्मीनान बख्श थे। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि शाहरुख खान ने मुझसे गुफ्तगू में एक मौके पर यह भी कहा कि वो ये बात तस्लीम करते हैं कि टेलीविजन पर नामहरम खवातीन के साथ अदाकारी करना या फिर गानों पर डांस करना इस्लाम के मुताबिक हराम है, और शाहरुख खान ये बात मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि शो के बाद शाहरुख खान ने मुझसे अकेले में सवाल किया कि आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है जाकिर साहब, इस्लाम में दाढ़ी रखना और टोपी पहनना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैंने जवाब में शाहरुख खान को बताया कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत तो नहीं है, मगर टोपी पहन ली जाए, दाढ़ी रख ली जाए तो ये बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी भी इम्तिहान के लिए 100 नंबर का पर्चा हो, उसमें से अगर आप 80 नंबर लेते हैं तो आप अच्छे हैं, मगर आप 85 या 90 नंबर ले लेते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन ईमानदारी, सच बोलना, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना और तमाम अच्छे काम करना, इनके मार्क्स ज़्यादा हैं, ऐसे इम्तिहानात में इनके नंबर ज़्यादा हैं। लेकिन अगर किसी ने पूरे नंबर लेने हैं तो फिर वो दाढ़ी भी रखेगा और टोपी भी पहनेगा ताकि उसके मैक्सिमम मार्क्स उसको हासिल हो सकें। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि दाढ़ी भी अहम है, टोपी पहनना भी अहम है, और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुसलमान ही नहीं है। एंड कैप इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ द सुन्ना, बट इफ समवन डजंट कीप अ बियर्ड यू कैन नॉट से दैट इज नॉट अ मुस्लिम, यू कैन नॉट से नॉट अ मुस्लिम डजंट स्पोर्ट अ बियर्ड और डजंट वेयर अ कैप।
But oh, you have given a very good analogy. So you like the example. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इमामुल्लाह भी नाम के एक आलिम ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है और बताया है कि बड़े 70 गुनाह कबीरा क्या हैं। सबसे बड़ा गुनाह कबीरा शिर्क करना है, दूसरा कत्ल करना है और इसी तरह से आगे चलता है। इन पहले 70 गुनाह कबीरा में से दाढ़ी ना रखना या टोपी ना पहनना शामिल नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स टोपी नहीं पहनता, दाढ़ी नहीं रखता और वो मुसलमान भी है तो इस सूरत में वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब नहीं हो रहा। It doesn't come in the 70 major sins. You know, there is a scholar by the name of Imam al-Dhahabi, and he has listed the 70 major sins in Islam. First being the shirk, then being murder, going down the line. But the beard doesn't appear. That does not mean it's not a sin. Some scholars say that it is a sunnah, mustahab. That's encouraging. Some scholars say that it is farz to keep a beard. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि दाढ़ी रखना बहुत ज़रूरी है, मगर उलमाए कराम की राय में और दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में यह कहा जा सकता है कि दाढ़ी रख लेना या सर पर टोपी रख लेना एक अच्छा अमल है, ये सुन्नत रसूल है, इस पर अमल करने का सवाब है। मगर इत्तफाक इसी बात पर है कि दाढ़ी रख ली जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं रख सकता या कोई नहीं रखना पसंद करता तो ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वालेहाना मोहब्बत के इजहार और उनकी अतात के इजहार की खातिर मुसलमानों को चाहिए कि वो दाढ़ी जरूर रखें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की गुफ्तगू जारी थी कि ऑडियंस में बैठे एक और शख्स ने इसी हवाले से सवाल करना चाहा। I'm Obed Khan. In that program on NDTV, Shahrukh Khan had made a comment that for a Muslim to look like a Muslim is not important, but to feel like a Muslim is important. I would like to hear your comment on that. सवाल करने वाले ने कहा था कि शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में, जिसमें आप भी मौजूद थे, उसमें ये भी कहा था कि मुसलमान दिखना जरूरी नहीं है, बस अंदर से इस्लाम का एहसास होना जरूरी है। लाजमी नहीं है कि कोई इंसान देखने में भी मुसलमान लगे, यानी वो इस्लामी लिबास पहने, सर पे टोपी रखे, दाढ़ी भी रखे और उसके हर अमल से वो मुसलमान लगता हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसा ख्याल शाहरुख खान का है। इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आप क्या फरमाते हैं? To look like a Muslim, I would say, is not the most important. But to feel like a Muslim, again, feeling may be different as I gave the earlier answer. That being honest is more important than wearing a beard and wearing the cap. But being honest and wearing the cap and the beard is much better than only being honest without the beard. But a person who's proud to be a Muslim. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि कुछ हद तक इस बात को ठीक कहा जा सकता है, मगर मुसलमान दिखना भी ज़रूरी है। हाँ, इसे बहुत ज़रूरी नहीं कहा जा रहा। ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी इंसान को दिखने के अमल में बज़ाहिरन वो मुसलमान है कि नहीं है, उसकी दाढ़ी है या उसकी टोपी है या उसका लिबास है जो इस बात का फैसला कर सकता है कि वो मुसलमान है या नहीं है। दूसरी जानब जब उससे गुफ्तगू की जाए तो फिर अंदाज़ा होता है कि वो शख्स दरअसल है क्या, मगर देखने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी है कि आप मुसलमान दिखें, मगर ये बहुत ज़रूरी हरगिज़ नहीं है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, अल्लाह को एक मानना, शिर्क से बचना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना और तमाम इस्लामी अहकामात बजा लाना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग बहुत खुशी के साथ अपने आप को वैसा दिखाते भी हैं जैसा मुसलमान दिखते हैं, यानी कि वो ख़ुद को मुसलमान दिखाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। और जिन लोगों को अपने आप को मुसलमान समझने और कहने में फ़ख्र महसूस होता है, वो बहुत खुशी के साथ दाढ़ी रखते हैं और इस्लामी तरीके का लिबास भी पहनते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इसकी बड़ी सीधी सी मिसाल ऐसे है कि जब कोई मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के बाहर निकलता है तो वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाता है, क्योंकि उसे इस पर फ़ख्र महसूस होता है और वो दिखाना चाहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इसी तरह से अगर कोई मुसलमान है और उसे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है और वो सबको बताना चाहता है कि मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो दाढ़ी रखकर या दीगर तरीक़ों से अपने आमाल के अलावा अपनी बज़ाहिर अपनी जिसामत और अपनी आदात से भी साबित कर सकता है कि वो मुसलमान है और उसे इस पर फ़ख्र है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और देखने वाले इस जवाब से मुतमईन नज़र आते थे। दोस्तों, आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जानिब से दिए गए ये जवाब कैसा लगा और क्या शाहरुख खान को बोल रहे थे ना क्या इंडिया छोड़ के चले जाओ, तो गाइज ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान यहाँ सेफ नहीं है, बहुत ज्यादा सेफ है
और इनके इतने करोड़ों फैन है यहाँ पर, इंडिया की पॉपुलेशन जानते ही हो आप, देख सकते हो अभी पठान मूवी में इतना ज्यादा बवाल हुआ, इतने ज्यादा उसके अपोजिट खड़े हुए थे इतने लोग, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा पसंद किया जाता है, पसंद किया जाता है, मतलब हेटर्स तो हर किसी के होते हैं, लेकिन उनके इतने ज्यादा चाहने वाले हैं कि वो हेटर्स की गिनती ही नहीं है। तो आप देखिए कितना सुपर डुपर हिट हुआ मूवी पठान मूवी, ठीक है। और उसके बाद रही बात डॉक्टर जाकिर नायक सर की, तो वो उनका जो समझाने का तरीका है ना, जो समझा रहे थे कि आप अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, इनका जो मतलब जो एग्जाम्पल देते हैं ना वो बहुत बेहतरीन रहता है, वो इजी तरीके से समझ में आता है कि हमें क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर उनका ये कहना है कि अगर कोई मुस्लिम अगर दाढ़ी और टोपी रखता है तो भी ठीक है, और अगर नहीं रखता है और वो सिर्फ जो बेसिक चीजें हैं, जो मतलब एकदम से जो चीजों को मना किया गया है, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे शिर्क हो गया, मर्डर, ये सब चीज अगर नहीं करता है उसके बाद वो दाढ़ी और टोपी नहीं रखता, तब भी वो मुस्लिम ही होगा और वो उतना गुनहगार नहीं होगा। वो अपने अपने फॉलो करने के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जहाँ जॉब करते हैं तो वो लोग मना करते हैं कि ऐसा आप दाढ़ी नहीं रख सकते, बहुत सारी चीजें होती है, तो हर किसी की फील्ड अलग है और उनको उसके हिसाब से रहना पड़ता है, तो उसमें उनको कोई गुनाह नहीं है, ये बताएं। बहुत अमेजिंग वीडियो था गाइस ये, आप लोगों को कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि शाहरुख खान को इंडिया में ही रहना चाहिए या ये इंडिया को छोड़ देना चाहिए, ये आप लोग जरूर कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।